यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे के बारे में, जिसमें एक तरफ मोदी सरकार अपनी कामयाबी के 4 साल मना रही है जश्न के तौर पर, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 4 साल को विश्वासघात के रूप में मना रही है। इसके लिए कांग्रेस ने जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर बीजेपी पर नाकामी का आरोप लगाया। कांग्रेस ने जो है जिस तरह प्रदर्शन किया है वो अपने आप में अनोखा था। कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि बीजेपी सत्ता में आने से पहले जो जनता से वायदे कर रही थी उसमें से अभी तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है। यही नहीं, सिर्फ लोगों को झूठे आश्वासन और जुमलों के सहारे बीजेपी ने बेवकूफ बनाया है, यह भी उन्होंने आरोप लगाया। और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन किया गया है, जो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस जो है एक्शन मोड में दिखाई दी है बीजेपी के खिलाफ, और तमाम जो नीतियां हैं बीजेपी की उसकी आलोचना करते कांग्रेस के नेता दिखाई दिए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चाहे वो जिला स्तर के नेता हो। तमाम जो कांग्रेस के नेता दिखाई दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते दिखाई दिए कि विश्वासघात किया है बीजेपी ने, और जो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वायदे किए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं कर पाई है बीजेपी पार्टी। और इसी को लेकर जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं 2019 के तैयारियों में भी जुट चुकी है, और यह दिखलाता है कि आने वाला समय किस तरह से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का आक्रामक होने वाला है, और इसका जवाब भी जरूर बीजेपी को देना होगा कि आखिर जो 40 सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस के द्वारा उन पर किस तरह से आप जवाब देंगे संतुष्टि के साथ, और क्या कांग्रेस पार्टी संतुष्ट हो पाएगी उन जवाबों से, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता के बीच ये 40 सवाल लेकर कांग्रेस पार्टी गई है। तो 4 साल और 40 सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस के द्वारा भाजपा शासनकाल में। गांव में निराशा लगातार क्यों छाई हुई है, तमाम ऐसे सवाल हैं, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे वो बात करें खेती बाड़ी की, या फिर बात करें रोजगार की, बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा उठता ही है। हाल फिलहाल में भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया था, हर मंच से वो कहते नजर आते हैं। तो 40 सवाल इकट्ठा किए हैं कांग्रेस ने, साथ ही प्रदर्शन देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाया है विश्वासघात दिवस को लेकर जो कांग्रेस मना रही है। आप देखिए अपने आप में कितना बड़ा त्याग ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का है अपनी पार्टी को लेकर कि वो बीजेपी के खिलाफ इस तरह से अब लड़ने जा रहे हैं कि अब मुंडन भी करवा रहे हैं। ये तस्वीरें ये बतलाती हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि जनता त्रस्त है, और जो वायदे बड़े बड़े किए गए थे बीजेपी पार्टी के द्वारा उन पर बीजेपी पार्टी खरा उतरती नहीं दिखाई दी है, ये तस्वीरें यही बयां करती हैं। इसके अलावा और भी तरह के प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन ये चंडीगढ़ में अपने आप में ये अलग ही एक प्रदर्शन किया गया है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के राजनीति में प्रदर्शन देखने को मिले हैं, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन अब हाल फिलहाल में अलग सा दिखता है, क्योंकि कांग्रेसी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी को एक आईना दिखाने के लिए ये विरोध दिखाया गया है उनके द्वारा। महिला कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाया है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, काफ़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ये मुंडन करवाया है। 4 साल पूरा होने पर ये प्रदर्शन है, कितनी पास कितनी फेल ये भी बड़ा सवाल है बीजेपी पार्टी से, ये भी आज सवाल पूछा जा रहा है, और बीजेपी सरकार के खिलाफ ये मुंडन करवाया जा रहा है। तो 4 साल पूरे होने के बाद जहां एक और बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जुटे हैं, आगे भी कार्यक्रम है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपना ध्यान खींचना चाहती है लोगों की ओर से कि लोग देखें, और सवाल जो हमने पूछे हैं बीजेपी पार्टी से वो भी पूछें।
अब आपको यह भी दिखाते हैं कि बाकी शहरों में किस तरह का प्रदर्शन किया गया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उनमें आपको मालूम हो जाएगा कि आज प्रदर्शन किस तरह का रहा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का। चरखी दादरी की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। गुरुग्राम की आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ भी ये देखने को मिला है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाते दिखे। रेवाड़ी में भी यहाँ पर हाथों में बैनर लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते नजर आए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और उकलाना में भी यही तस्वीरें सामने आई, जहां पर धरना दिया गया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। जो राज्य स्तर के नेता थे उन्होंने अगुवाई की है इन तमाम प्रदर्शनों की और वहां मंच से संबोधित करते हुए नजर आए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। तो एकजुटता तो फिलहाल दिखाई दे रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, क्योंकि बैनर हाथ में लिए उसके बाद पुतला फूंका गया, प्रदर्शन किया गया, सड़कों पर उतरा गया, लोगों के बीच जा रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर आज बीजेपी पार्टी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिखाते अपनी उपलब्धियों को तो कमियां कौन गिनवाएगा। इसलिए विपक्षी पार्टी सड़कों पर उतर आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के। लेकिन दूसरी तरफ ये अनोखा प्रदर्शन अपने आप में मिला है, जहां चंडीगढ़ में मुंडन तक करवाया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये जानते हैं कि एक अच्छा मौका है, चार साल पूरे हो रहे हैं बीजेपी पार्टी के और इन्हीं मुद्दों पर घेरा जाए। सबसे बड़ी बात तो आजकल ये भी चल ही रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसी पर घेरा जा रहा है बीजेपी पार्टी को। इसके अलावा और तमाम तरह की जो विदेश नीति है, पड़ोसी नीति है, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। आंकड़े भी आप देखेंगे वो भी दिखलाए गए हैं विश्वासघात दिवस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ओर से हुई है, एक तरफ जहां उपलब्धियां गिनवाई गई, दूसरी ओर से खामियां गिनवाई गई हैं। और ये सिलसिला दो चार दिन तक जारी भी रह सकता है, क्योंकि तमाम कार्यक्रम जो है बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के, अलग अलग राज्यों में, राजधानियों में, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और हो सकता है कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस तरह का प्रदर्शन किया है, जिसका किसी ने सोचा तक भी नहीं होगा कि जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो मुंडन तक करवा लेंगे, तो इस पर भी जवाब जरूर दिया जाएगा बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी आलाकमान के द्वारा और बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा भी। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के आज चार साल पूरे हो चुके हैं लगभग। इस मौके पर शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, जोरदार हमला बोला है। शाह ने कहा कि विपक्ष मोदी को हटाना चाहता है और इसलिए वो झूठ को जोर से और सार्वजनिक तौर पर बोलने की सियासत कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का एजेंडा गरीबी और भ्रष्टाचार को हटाने का है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र को ताक पर रखने वाले लोग हमसे कह रहे हैं कि आज डर का माहौल है। बीजेपी प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि जनता मोदी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और उम्मीद है कि 2019 में भी मोदी सरकार को एक और मौका जनता देगी। साथ चट्टान की तरह खड़ी है,
इस देश विकास के एजेंडे से इधर उधर नहीं होगा। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अब एक लंबे समय तक हमारे चुनावी राजनीति का एजेंडा बनने वाला है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के माध्यम से ही इस महान लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में इस देश की जनता ने निर्णय किया है। चार साल में हमने काफी कुछ किया है, अभी काफी कुछ करना है, एक साल अभी बाकी है और हमें भरोसा है 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को इस देश की महान देश की जनता फिर से एक बार आशीर्वाद देकर पूर्ण जनादेश के साथ फिर से सरकार बनाने का मौका देगी। और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बारे में फैसला न करे, देश की जनता ने किया है। एक के बाद एक के बाद एक इनकी 14 राज्य सरकारें चली गई। ये भी सच है कि जनता ने स्वीकार किया है बीजेपी पार्टी को, तमाम जो राज्यों में है वो भी बीजेपी शासित एनडीए शासित हो चुके हैं और कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो है सुपड़ा साफ होता दिखाई दिया है, 2 से 3 राज्यों में रह चुकी है। तो ये बातें अलग हैं, लेकिन आज की बात करें तो विश्वासघात दिवस मनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और विश्वासघात दिवस में 4 साल में 40 सवाल पूछे गए हैं और इसी पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। बीजेपी से वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से स्नेह अहलावत जी हमारे साथ है, जोगीराम जी इनेलो से, और उसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी है और कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे तमाम कांग्रेस के, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। आज वीरेंद्र चौहान जी आपसे सवाल पहला नहीं होगा, पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेह अहलावत जी आपसे ही होगा कि आखिरकार इतना बड़ा विश्वासघात की मुंडन करवाना पड़ा। आप देखिए, ये सरकार बहुत झूठे और बहुत बड़े बड़े वादे करके आई थी, ये लच्छेदार बातें घुमावदार बातें करने में परफेक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस सरकार के आने के बाद आप देखिए, रसोई में आग लगी हुई है, गैस सिलेंडर कितने महंगे हो गए हैं, पेट्रोल देखिए पड़ोस के देशों में कितना, हमारे और उनके रेट देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। और इस समय जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल कम मूल्य पे मिल रहा था, उस समय भी इन लोगों ने जनता की जेब पे डाका डाला है। इन्होंने जो जो भी वादे किए थे, बैंक इन्होंने कैशलेस बनाए थे, काला धन लाने का वादा किया था, ये तो हमारा सफेद धन भी ले उड़े हैं, तो काले धन की कहाँ कहाँ बात रह गई। हर कोई भी आप इनकी चीज उठा के देख लीजिए, जो भी वादे किए थे, बेटी बचाओ का एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके आए हैं, आज बेटी को बचाओ तो किससे, भारतीय जनता पार्टी से बचाने की बात हो रही है। हरियाणा को जो है इन्होंने रेपिस्तान और कब्रिस्तान बना के छोड़ दिया है, रेप भी होते हैं और हत्याएं भी होती हैं, उन्नाव में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, इनके ये अपने मंत्री तक को बर्खास्त नहीं करते, मंत्री तक अभी भी सही सलामत अपने पद पे बरकरार है। तो किस कैसे कहोगे कि आप दुखी हो के जनता इस हद तक कब आती है, जनता इस मुंडन पे कब आएगी, जब उसके पास सारे रास्ते बंद हो गए हैं, उनको कोई चारा नजर नहीं आया है। कांग्रेस के जवाब ले लेते हैं, श्रृंगार होता है वो क्या श्रृंगार करेगी, जब उसके पेट में दाना नहीं है, उसके प्लेट में अन्न नहीं है, तो वो मजबूर होकर श्रृंगार की सोच भी नहीं सकती है। तो ये तो ये आखिरी कील इन पे गाड़ी जा रही है, ये आखिरी कील है, इसके बाद प्रदर्शन नहीं होगा। रेणु भाटिया जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, पहले उनसे सवाल लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। रेणु जी, सवाल बहुत है, जवाब मिलेंगे कांग्रेस को, क्योंकि 4 साल में 40 सवाल, टिप्स पे तमाम जो आपकी खामियां हैं वो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के। देखिए, कांग्रेस को आज अपनी जीविका के लिए कुछ ना कुछ बात करना आवश्यक बन गया है, प्रश्न ये भूल जाती है, मेरी बहन अभी आपसे इतनी बड़ी लंबी लाइन बातों की कर रही थी, ये भूल जाती है कि इनको आपने हमने सबने मीडिया ने मिलकर लोगों ने मिलकर 10 वर्ष का विश्वास मत दिया था, केंद्र से उत्तर प्रदेश जवाब ले लेते हैं ना, उसके बाद आएंगे आपके पास, आप गड़े मुर्दे आएंगे। पहले मुझे सुन लीजिए, जी रेणु जी जोड़ा तो पहले सुन लीजिए, मैं अपनी बहन सुनीता जी से बोलूंगी, शेरावत जी से, कि अपने 10 वर्षों का केंद्र का भी प्रदेश का भी अगर ये ब्यौरा दे सके तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये हमारे ऊपर पॉइंट आउट करते हैं हमारे 3 वर्ष, नहीं मैडम, हक तो है ना आपसे सवाल पूछने का, चार होती रहेंगी तो बोलने भी नहीं देना चाहती है, इनकी बारे में कोई बोला क्या, बोली जा रही है
ऐसे चर्चा नहीं हो सकती ना। अभी सवाल जवाब तो हुई ना सर, सर सवाल जवाब तो नहीं होगा अभी तक। म्यूट करना पड़ा मुझे, म्यूट करवाना पड़ेगा सर। श्रेय जी आपकी बात पूरी हो चुकी है, मैं म्यूट करवा सकता हूँ, लेकिन मैं करवाना नहीं चाहता। सवाल जवाब दोनों तरफ से होने चाहिए। रेनू जी अपनी बात पूरी कीजिए और मुद्दे पर आइए। संपर्क टूट चुका है, लेकिन बोलने नहीं देना चाहते, ये तो तरीका नहीं। आप पूरा कीजिए, मैं बताता हूं इनको। आप मुद्दे ये इन्होंने मुंडन करवा लिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इनकी इनका ये कृत्य है। इनको मुंडन तब करवाना चाहिए था जब इस देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान पर और इनके नेताओं ने सेना की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा किया। शर्मानी चाहिए थी उस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं की करतूत पे, और इनको मुंडन कराना चाहिए था। इनको मुंडन, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, आपके बारे में मैं नहीं बोला। आपको मुंडन तब कराना, अरे बेतुकी बात है ये, सुनिए आप चुपचाप अपनी बारे में बोल लीजिएगा। आपको मुंडन बहन जी तब कराना चाहिए था जब देश के सेना अध्यक्ष को आपके एक नेता ने, आपके एक राष्ट्रीय स्तर के नेता ने गली का गुंडा कहा। शर्म आनी चाहिए थी उस दिन, मुंडा उस दिन मुंडन कराना चाहिए था। आपको मुंडन, अरे रुकिए, आप देखिए कमल जी को, आप इनको बोलना है तो मैं देता हूं, आपने मेरी प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया। नहीं नहीं, और सुनिए सुनिए, आज की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ले रहे हैं मैडम, आप ये सुनिए मैडम, ऐसे चर्चा नहीं कर सकते। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए ना, आप 4 साल 40 सवाल जवाब जी। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा फिर। कमल जी मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। कमल जी मैं चार साल जी ऐसा कोई तरीका, ये चर्चा का तरीका नहीं है। अभी एक भी बात नहीं है, जनता क्या समझ पाएगी? शुरू कर देते, सब समझते हैं सब। मैं आपको स्नेहलता जी उस दिन मुंडन करवा लेना चाहिए था, बड़ा आपको सच प्यारा था जिस दिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के सामने ये झूठ बोला कि भाजपा ने एससी एक्ट समाप्त कर दिया है। झूठे लोग वो विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं। 70 साल में से स्वतंत्रता के 70 साल, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। देखिए अगर इन्हीं को बोलने तो फिर मैं चलता हूँ। मिश्रा जी आप बोलिए, चलिए आप क्या सवाल करना चाहते हैं? पहले इनकी जो जिज्ञासा है सवालों की, उत्तर 10 सेकंड आपके पास, क्या कहना चाहते हैं उसके बाद आप बोलिएगा ना। जब मैं बोलूंगा आप तब बोलिएगा, अभी बोलिए फिलहाल। इन 4 साल का जवाब मांगिए आप, ठीक है? 4 साल का जवाब चाहिए आपको, बोलिए वीरेंद्र जी। ये चारों ही साल के जवाब थे जो मैंने 4 मुद्दे उठाए और इनको कहा कि विश्वासघात तब हुआ था जब आपके नेताओं ने ये किया था। इनको मुंडन तब करवाना चाहिए था जब इनके नेता ऐसी अभद्र अभद्र हरकतें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपको सवाल पूछने का अवसर दिया, उत्तर मेरी बारी है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, वीरेंद्र जी किसानों की बात करें, रोजगार में आप पूछ रहे थे, मैं उत्तर दूंगा। आपने मुझे उत्तर देने दिया कमल जी, इन्होंने भी नहीं दिया, आप भी टोक रहे हैं। आप पूछिए सवाल, मैं उत्तर देता हूं। आप स्पेसिफिक प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा। स्पेसिफिक ये है सर, 40 सवाल है, रोजगार का उसमें मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, आत्महत्या है, आज भी किसान कर रहे हैं, तो ये तो 40 सवाल है। आप ये ना देखिए कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा है, ये उत्तर दे ही नहीं सकते। अरे भाई मैं उत्तर दे रहा हूं, देने की बात है रमजान जी, ये तरीका नहीं बैठता है आपके पास। जोगीराम जी, जोगीराम जी आपके पास भी आएंगे, जोगीराम जी ऐसे समय बर्बाद ना कीजिए। सवाल कर रहे हैं तो उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना जी। वीरेंद्र जी बोलिए। देश के 9 करोड़ से अधिक नागरिकों को, युवाओं को मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण बिना सिक्योरिटी के उपलब्ध कराया गया। जोगीराम जी झूठे आप हो, आपको चैलेंज करता हूं मैं खबरें अभी तक के स्टूडियो में लोकदल के प्रवक्ता जोगीराम को चैलेंज करता हूं, वो मुझे झूठा साबित कर दे या राजनीति छोड़ दे। अगला प्रश्न सुनिए, चालीस सवालों का वीरेंद्र जी बोलिए। मैं
मैं अपनी टीम को कहूंगा म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। वीरेंद्र जी बोलिए, एक सेकंड ये दिया जाए। दूसरे जी ऐसे चर्चा नहीं चलेगी, आपके मुताबिक चर्चा नहीं चल सकती है। नहीं, आपके मुताबिक चर्चा नहीं चल सकती, आपकी कोई बात ठीक है, ठीक है। क्या पकौड़ा नहीं कहा है कि ये रोजगार है, तो मैं क्यों नहीं है? जब ये रोजगार की बात करें तो उठाना पड़ेगा मुझे कि आज पकौड़ा भी रोजगार हो गया। तो मैं शुरू कर दूं, देश के किसान की ये बात करते हैं, देश के किसान के लिए इन्होंने स्वामीनाथन आयोग गठित किया था। इनके समय में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, ये 5-7 साल उसको रख करके बैठे रहे, उसके हजारों पन्नों की खामियां दोनों तरफ हैं। नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं ना, पूरा करने दीजिए, कभी ऐसे नहीं। 10 सेकंड में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हमने देश के किसान की फसल के खराबे की जो स्वामीनाथन साहब ने सिफारिश की थी 10,000 रुपए प्रति एकड़, हमने 12,000 रुपए प्रति एकड़ किया। हमने 10 करोड़ से अधिक देश के किसानों को फसल बीमा योजना के दायरे में लाए, ये स्वामीनाथन आयोग ने कहा था। स्वामी एक बीच में क्यों बोल रही है? अरे सुनो भाई, किसान को फायदा हुआ, संक्षेप में कहेगा, सबके पास जाना है। मुझे वापस आऊंगा मैं आपके पास, वापस आऊंगा मैं आपके पास, वापस आऊंगा मैं आपके पास। अरे किसान को अगर फायदा हुआ होता पोटली जी के पास चलते और अपनी फसल नहीं बेच सकते। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, आपके पास दोबारा आएंगे, दोबारा दोबारा से आएंगे सर। मुझे 10 सेकंड का वक्त है सर, बोलिए बोलिए। ये बीच में रुकना बोले, स्वामीनाथन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इनके नियुक्त किए हुए थे, उन्होंने स्वयं ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग या किसान आयोग की सिफारिशों की को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, और ये उस सबको झूठ कह रही है। इनका गठित क्यों हुआ आयोग? पॉपुलिस जी के पास चलते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी और भी मेहमान, नहीं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े ना, उनको भी मौका दीजिए बोलने का, उनको भी मौका दीजिए बोलने का। नहीं श्रेय जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। मैं आपसे नहीं, मैं आपको चर्चा नहीं, चर्चा का तरीका ये नहीं है, ये चर्चा का तरीका नहीं। वीरेंद्र जी, ये चर्चा का तरीका नहीं है। पॉपुलिस जी, आप बोलिए क्या दिक्कत है बीजेपी सरकार से? वो तमाम जो खूबी है वो गिना रही है। 70 साल में से वीरेंद्र जी सुन लीजिए, वीरेंद्र जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, वीरेंद्र जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। पॉपुलिस जी बोलिए जी, जी बोलिए। हमारे चर्चा में दो प्रवक्ता जुड़े, सबसे पहले रेणु जी जुड़े और अभी हमारे साथ वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं। अगर आप उनकी बात सुने तो पहले रेणु जी ने कहा कि पहले 10 साल का हिसाब दीजिए, और अगर वीरेंद्र जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि छिछोरापन है, और आपने जो मुंडन करवाया है वो मुंडन तब करवाते जब कांग्रेस ने ये किया था, तब मुंडन तब कराते जब कांग्रेस ने वो किया था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा वीरेंद्र जी, आप क्या 4 साल की उपलब्धियां बना रहे हैं? या अभी भी आपको लगता है ये तरीका नहीं है? अभी आप सिखा रहे थे, आप भी सीखिए। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में आप बार बार इल्जाम डालते हैं, आपको आदत ही है, आप विपक्ष में रहे हैं और हमेशा हर बार कांग्रेस में डाल देते हैं। अभी भी वही 4 साल के बाद एक मुद्दा नहीं बता पा रहे यहाँ पर कि आपके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया। अभी बताया आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने बताया हमने स्वामीनाथन लागू किया, आप सुनना नहीं चाहते। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए सर। वीरेंद्र जी सुनिए, सुनिए पहले, सुन तो लीजिए ना, तो झूठ कैसे बोलिए? उनका पहले पूछ, आप जवाब दे दीजिए ना। हिंदू धर्म में अगर एक महिला आश्रम मंडवा के तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने बोला। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी यूं चर्चा जारी रहेगी और तमाम तरह की जो चर्चा है अभी गर्म है चर्चा, आगे भी यूं जाएगी, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि सवालों का जवाब मिले और जवाब भी पुख्ता मिले, सही मिले, ताकि आप तक पहुंचे। ये गुजारिश हमारे मेहमानों से रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो 4 साल 40 सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस के द्वारा, विश्वासघात दिवस भी मनाया जा रहा है, और इसी पर हम चर्चा करें कि आखिरकार क्या वाकई में विश्वासघात हुआ है देश की जनता के साथ। जोगीराम जी, आपके पास आना चाहेंगे चर्चा में। विश्वासघात दिवस तो मनाया गया है कांग्रेस के द्वारा, क्या लगता है कि वाकई में जो जनता है वो त्रस्त है कहीं ना कहीं, या कांग्रेस पार्टी एक कहीं ना कहीं मुद्दा भुनाना चाहती है अपने पक्ष में? देखिए कमल जी, ये कांग्रेस के घड़ियाले आंसू हैं। एक तरफ खुद ये विश्वासघाती रहे हैं तभी पब्लिक ने इनको चेंज किया, और दूसरे विश्वासघाती वो हो गए हैं कि जिन्होंने इतने वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए पब्लिक के। मतलब आज की आपकी रिपोर्ट थी एक जी, उसमें गेहूं पे आज भी पानी डाला जा रहा है। तो बीजेपी वाले कहाँ सो रहे थे? पहले तो हमारे कार्यकर्ता का नाम ले रहे थे, आज वेयर हाउस के पास जाकर पानी डाला जा रहा है। इनके मंत्री जी जिनका नाम आपकी रिपोर्ट में गब्बर सिंह बताया गया है, वो कह रहे हैं कि भी अगर कोई मेरी कष्ट निवारण कमेटी में नहीं आया तो मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा,
ये ओपनली कहने की बात क्या है, तो ऐसा नहीं कहा सर, नहीं यही कहा उन्होंने, उन्होंने सस्पेंड जरूर किया, ये तो नहीं कर दूंगा। आज आज की आपकी रिपोर्ट है, अभी अभी देखिए पहले ये ट्वीट करके उन्होंने बोला, ट्वीट करके उन्होंने बोला, ठीक है बाद में बोला मैंने, ठीक है ये नोटिफिकेशन क्लियर है, इसमें कहने की जरूरत नहीं होती, ये धमका रहे हैं पब्लिक को। इसको धमकाना कैसे कहते हैं आप, सुनिए तो ना एक मिनट, एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी है भाई, कोई नहीं आएगा उसके अगेंस्ट एक्शन होगा अगर उसका वाजिब उसका ऐसा नहीं हुआ कि उसको रहना। हाँ दूसरा है मुद्दों की बात है, अब बीजेपी का आप कोई भी मुद्दा ले लिए, आज तक इन्होंने कोई भी वायदा पूरा किया हो, स्वामीनाथन के बार बार रोर रट लगा रहे हैं हमने पूरा कर दे, क्या आपने उसका डेढ़ गुना दे दिया प्राइस लोगों जी, को बिल्कुल घोषणा कर दी। नंबर दो इन्होंने लिफ्टिंग में, इसका मतलब आज गेहूं में जो पानी डला इसका मतलब गेहूं की लिफ्टिंग अभी तक नहीं हुई है, जब लिफ्टिंग नहीं है तो पेमेंट कैसे होगी, आज तक ये सरसों का बार बार बोल रहे हैं आज भी बिक्री, सवाल आपके पास भी कहीं है, सरसों बेरोजगार सारे सड़कों पर है, सफाई कर्मचारियों का आप देख लेंगे उनके जवाब आप दीजिएगा, सफाई कर्मचारियों को देख लिए इन्होंने 16 दिन के बाद सेम वायदा, अगर पहले कर लेते तो पब्लिक क्या होता है ना, 16 दिन बाद क्यों किया, वही सेम करना था, वही वो मांग रहे थे वही दे दिया, तो इनका काम तो जो मैंने पहले बोला था ना, पहले 100 प्याज खाओ फिर 100 चित्र खाओ, करना वही है इन्होंने जो पब्लिक कह रही है लोग कह रहे हैं, लेकिन करना 16 दिन बाद है जी, करना वही है जो पब्लिक कह रही है, लेकिन देर से करना है देता आज, लेकिन आज चार सालों की बात एक मैं राहगीरी की बात कहता हूँ, आज ही रोड शो कर रहे हैं सीएम साहब, जब से गर्मी इतनी ज्यादा है एक तरफ तो कह रहे हैं लोग बाहर ना निकले, बच्चों की छुट्टियां कर दे, वहां बच्चों को सड़क पर खड़े कर देते हैं, ये कोई कायदे की बात है क्या इनकी, तो बीजेपी की करनी कथनी में करनी इतना कतनी कतनी कोई पंजाब के राजीव जी से पूछ लेते हैं, वो पंजाब के राजीव जी, राजीव जी आप बताइए क्या कथनी करनी में फर्क है बीजेपी की, जैसे कि जोगीराम जी कह रहे हैं कि जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया इन्होंने, या कोशिश में है सरकार, पंजाब के स्केल पे आएंगे आपके पास आएंगे जी, इसमें देखिए इसके बाद आपके पास ही आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो इन्होंने कुछ प्रोमिसेस किए थे स्टार्टिंग में, यह बात सत्य है कि काफ़ी प्रोमिसेस पे उन्होंने उसको पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जो प्रोमिसेस थे उनका जो डायनेमिक था और उनका जो दायरा था बहुत बड़ा है, और उसको आप तुरंत शॉर्ट टर्म गोल लेकर के उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। जॉब क्रिएशन का अगर हम एग्जांपल देते हैं तो उसको आप तुरंत ओवरनाइट 2-3 साल में नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मुद्रा स्कीम के तहत जो लोगों को पैसे दिए गए तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। यह बात सही है कि उन्होंने इलेक्शन के दरमियान यह कहा था कि प्रत्येक साल में 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करूंगा। अब इसमें दो तरह की बातें हैं, जॉब क्रिएशन की बात थी या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात थी, वो सैलरीड जॉब की बात थी या लाइवलीहुड से रिलेटेड जॉब्स की बात थी, अब इसमें डिफरेंसेस है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि सरकार ने उस दिशा में सार्थक प्रयास किए हैं, लेकिन सबसे जो अहम सवाल है जो पॉलिटिकल गवर्नेंस में जो मायने रखता है, हम इनपुट्स आउटपुट्स की बात तो करते हैं लेकिन आउटकम ज्यादा मायने रखता है। इनपुट्स यह होता है कि सरकार ने जैसे कि मुद्रा स्कीम लॉन्च किया, पैसा दिया, पैसा लोगों को मिला, आउटपुट के रूप में वो सामने आ गया, लेकिन क्या वाकई में विश्वासघात जनता से हम मान सकते हैं जैसे कि कांग्रेस कह रही है? नहीं देखिए, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो टर्म विश्वासघात वाली बात तो नहीं है, आफ्टर ऑल देखिए कि सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जिस यार जो इनके आज का मैंने 40 सवाल इनका देखा है, मैं मानता हूं कि उन सारे कई काउंट्स पे पिछले गवर्नमेंट का भी परफॉर्मेंस उतना ब्राइट नहीं रहा है, ये भी एक सत्य है, ये सवाल ये भी सत्य है। रंजीता जी अपनी सरकार से भी कुछ तुलना कीजिए। देखिए कमल, सबसे पहले तो मैं आज जो भाजपा के प्रवक्ता वरिंदर चौहान यहाँ पर शराफत की टोकरी की पगड़ी पहनकर बैठ जाते हैं और उसके बाद महिलाओं से कैसे बात की जाती है, महिलाओं के बारे में कैसे बात की जाती मेरी है, मेरी पगड़ी के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे आप बेतुके, बिल्कुल आपको आपको तमीज होनी चाहिए बात करने की, आप पहले भी अभद्रता कर चुकी है स्टूडियो में, आप स्टूडियो में पहले भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुकी हैं, आपको खुली छूट नहीं दी जा सकती कुछ भी बोलने की, आपको कुछ भी बोलने की खुली छूट नहीं मिल सकती, व्यक्तिगत टिप्पणी आपको नहीं, रंजीता जी व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं करेंगे, रंजीता जी ऐसे नहीं चलेगा, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, आप विश्वासघात पर आइए ना, दिवस मना रहे हैं आप, सवाल पूछ लीजिए जवाब दे देंगे। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एक महिला जिसने मुंडन करवाया है वो अगर स्टूडियो में इनके साथ बैठी है किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं? बदतमीजी आप कर रही हैं, अपने शब्दों पर नियंत्रण करिए, अपने शब्दों पर नियंत्रण करिए,
जो राजनीति के लिए मुंडन कराएगा उस पर सवाल उठेंगे और हम उठाएंगे, जो राजनीति के लिए मुंडन कराएगा उस पर सवाल उठेंगे। मुंडन किस स्थिति में होता है आपको मालूम होना चाहिए, आपके नेताओं को मालूम होना चाहिए। आप राजनीति करोगे मुंडन की तो सवाल भी उठाएंगे। वीरेंद्र जी एक सवाल आपसे भी है, आप ये कह रहे हैं कि मुंडन करवाना गलत है, लेकिन आप ये भी बता दीजिए जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी उमा भारती, उन्होंने भी मुंडन करवाया था सर, आप इसको किस तरह से देखे? नहीं सर ये सवाल आपसे भी है, सुषमा स्वराज ने भी करवाया सर, ऐसा नहीं कह सकते आप, ये कोई गलत बात है, आप कैसे कह सकते हैं? आप उमा भारती जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी उन्होंने मुंडन करवाया, आप करिए सवाल हाँ? मुझे जो राजनीति के लिए आपने मुंडन कराया, लता जी आपने राजनीति के लिए मुंडन कराया कि नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ, करिए सवाल, मैं जवाब देता हूँ, मैं कहता रहा हूँ, मैं उत्तर देता हूँ, जवाब ले। आप राजनीति के लिए मुंडन कराने के लिए आई हैं, मुंडन करा कर आई हैं, तो आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा। आप राजनीति करानेबाजी कहेंगे, हम कहेंगे जब आप मुंडन राजनीति के लिए कराएंगे तो हमको कहेंगे जी। वीरेंद्र जी एक सवाल ले लेते हैं क्या, रंजीता जी से राजनीति कर रही है? वीरेंद्र जी राजनीति कर रही हूँ ना, करिए प्रश्न। हमने कपड़े उतारे आपने सवाल नहीं किए क्या? हमारे नेताओं ने कपड़े उतारे आपने सवाल नहीं किए क्या? आपने पूछे सवाल तो हम भी सवाल करने का हक रखते हैं। आपने खून कहा, ऐसा नहीं हो सकता स्नेहलता जी, आपका खून तो खून और हमारा खून पानी, ये नहीं हो सकता। नहीं खून पानी की बात नहीं हो सकता, मुद्दों की बात कीजिए ना, मुद्दों की बात कीजिए। इनको स्नेह जी बोलिए, मुद्दों पर बात कीजिए, आप मुद्दों पर स्नेह जी बोलिए, हकीकत में ढेर, ये है भाजपा की हकीकत। चलिए रंजीता जी स्नेह जी के पास आना चाहेंगे, स्नेह जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ गंगा करे पुकार, अब के बदलो मोदी सरकार, कौन कौन से वादों की याद दिलवाऊं मैं? आप कैसे क्यों नहीं याद कर रहे कि ये कम से कम 154 वादे करके आए थे? सवाल आपसे भी होगा ना, आपकी सरकार में कितनी बेहतरी थी, आपकी सरकार में कितनी बेहतरी थी? मेरी सरकार में बहुत बढ़िया बेहतरी थी, क्योंकि वो झूठे वादे करके नहीं आए थे, उन्होंने कर्जे माफ किए, बिजली के बिल माफ किए, याद कीजिए ना उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने चौकीदार से लेके हर गांव में सरपंच की है, इन सब की तनख्वाह की। आप एक चीज तो बताइए कि इन्होंने ठोस बात बताइए, ये ठोस नहीं है, कोई ठोस बात कर लीजिए मेरे ख्याल से। ये जो 9 साल वो लास्ट योगी राम जी की, आप अभी बनने का काम मेरे को बोलने दीजिए, अभी हम तो पब्लिक जी 4 साल का हिसाब, पब्लिक जी कुछ कहना चाहते हैं, पब्लिक जी बोलिए। आप 4 साल में से एक दो बातें निकल कर आई है, एक आपने कहा कि ठोस बात होनी पूरा नहीं किया जा सकता। एक डेटा रख रही हूँ आपके सामने, NSSO का डेटा है ये, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और यही डेटा जो है मोदी जी के जो फाइनेंशियल सलाहकार है अरविंद सुब्रमण्यम जी का भी है, उनके अकॉर्डिंग जो आज किसानों की जो मंथली पे है, जो उनकी मासिक आमदनी है, वो है तकरीबन 6,500, और 2014 में जब हम छोड़कर गए थे तब वो थी 14,500। अब ये कहते हैं कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, 6,500 का दुगना करेंगे तो कितना किसानों होगा? का सवाल 13,000, यानी कि 2014 से भी ठीक है तो डाटा ही नहीं है कुछ भी है। आपका किसानों 14,000 से 6,000 कैसे हो जाएगी ना, 6,000 ठीक है ना, 14,000 ठीक। वीरेंद्र जी बोलिए सर, छोटा उत्तर दीजिएगा। नहीं नहीं, ये तो बहकाने वाली बात है, देश के किसान को ये जिस हाल में छोड़कर गए थे, हमने उसकी बेहतरी के लिए कदम उठाए। 35% वीरेंद्र जी को जवाब देने दीजिए ना मैडम, वीरेंद्र जी को जवाब देने दीजिए। वीरेंद्र जी अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब भी ले लीजिए ना, अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब तो ले लीजिए। आपको सुना,
आपको सुना वीरेंद्र जी बोलिए 10 सेकंड सर, 10 से 20 सेकंड। इन चारों सालों में किसान की जिन फसलों पर समर्थन मूल्य मिलता है उन फसलों का समर्थन मूल्य जो कांग्रेस के समय में बढ़ता था उससे अधिक दर पर बढ़ा। मुआवजा इनके समय में, अब ये बीच में नहीं बोलेंगे, क्या हो गया? बोलिए वीरेंद्र जी, आप बोलिए। इनके इनके कार्यकाल में फसल खराब होने पर 6,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता था। स्वामीनाथन जी ने कहा 10,000 दीजिए, हमने 12,000 दिया। हमने 10 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाकर उनको सुरक्षा प्रदान की। एक एकड़ खराब हो जाती है तो 25,000 मिलते हैं। रंजीता जी सुनिए, ये किसान के लिए किया। आपके पास एक वाक्य और बोलने दीजिए कमल जी, क्योंकि मजबूरन मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, क्योंकि जनता कुछ समझ नहीं पा रही है चर्चा में। इन्होंने फिर सब लोग ये चाह रहे थे कि किसान को उसकी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। यह बात 20-21 साल से तो चली रही है, 10-12 साल से स्वामीनाथन की रिपोर्ट आने के बाद से निरंतर चर्चा हो रही थी। हमने इस बजट में यह कह दिया कि अगली खरीफ की फसल से हम जिन फसलों पर समर्थन मूल्य मिलता है उसको लागत से 1.5 गुना देंगे। सर, सर, अब ये प्रगति नहीं है क्या? वीरेंद्र जी, आंकड़े आज भी आते हैं, किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं किसान, आज भी आंकड़े चौंकाने वाले। सड़कों में फसल डाल रहे हैं किसान, अगर उनको समर्थन मूल्य मिलेगा वो सड़क पे डालेंगे क्या? किसान देने का है, किसान गेहूं और धान से हटकर सब्जियों की तरफ जाए, सब्जियों में कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। हमने भावांतर भरपाई योजना की ताकि किसान अपने आलू को सड़क पर ना फेंके, बाजार भाव से जितना कम उसको मिलेगा। जोगी राम जी झूठ इनके रगों में समाया हुआ है। कांग्रेस का प्रदर्शन है और बीजेपी के जवाब है। सच को भी झूठ, सवाल को किस तरह से देखते हैं आप जोगी राम जी, इन सवालों को किस तरह से देखते हैं आप? आपके भी सवाल है क्या? कोई पाकिस्तान में जाकर मेरा खिलाफ बोलने वाले मुद्दे से ना भटके सर, ये बोलते जोगी राम जी बोले। मेरा ये कहने का मतलब है इन दोनों पार्टियों ने ही विश्वासघात किया है। कांग्रेस की गलती से बीजेपी आई है, यानी आप रेफरी बन रहे हैं? नहीं नहीं, कांग्रेस की गलती से बीजेपी आई है। बीजेपी ने विश्वास किया, बीजेपी ने पे विश्वास किया लोगों ने, लेकिन इन्होंने ना पंजाब के स्केल दिए, ना एम्प्लॉइज को दिए हैं, रोज धरने हो रहे हैं, ना आशा वर्कर के, इनके कांग्रेस पक्के किए हैं। कांग्रेस की गलती से बीजेपी आई है, हाँ इनकी गलती से बीजेपी आई है, और बीजेपी ने जो झूठे वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं किया जो मैंने किया। तो ये विश्वासघात इनका इनसे भी डबल है। तो एक बात, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ने किया तो चलिए राजीव जी से पूछ लेता हूं, निष्पक्ष बताइए सर, दोनों का खाता निष्पक्ष बताइए। राजीव जी आप निष्पक्ष बता दीजिए आज, अगर भावांतर योजना सही है, चार साल का हिसाब मांगना और पहले का हिसाब मांगना, इनमें तुलना की जाए तो कौन आगे लगता है आपको? ये देखिए, वो तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 6 साल और देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही थी, तभी तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगा। देखिए ये जो किसान 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 का जो मामला है, किसान के मामले में एक चीज जो स्पष्ट है कमल जी, एक चीज जो स्पष्ट है किसान के मामले में, मैडम सुन लीजिए, किसान किसान के मामले में देखिए, ये बड़ी दुख की बात है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने भी किसान की दशा में सुधारने के लिए प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयास किया, बट मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो है कि किसान की स्थिति में कोई चेंज नहीं हुई। स्थिति स्टेटस को बनी हुई है, सुसाइड्स फार्मर्स आज भी कर रहे हैं, वो बड़ा चैलेंज है, वो बड़ा जो चिंता की विषय है। देखिए फार्मर्स के ऊपर जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसा कोई हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। यह बात सही है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस बात के प्रति उन्होंने अपना कमिटमेंट को हमेशा रिट्रेट किया है कि हम फार्मर्स की इनकम को 2022 तक उसको दुगुना करेंगे, और पिछले बजट में उन्होंने इस दिशा में कुछ अनाउंसमेंट भी किए हैं, उससे कुछ कितनी उम्मीद बनती है ये तो आने वाला समय बताएगा। बट यह बात सत्य है कि आज मैं भी एक फार्मर हूं, देखिए हमारा अगर हम जॉब अगर आज हम छोड़ दें कमल, तो हमारे पास जो 5-6 बीघा की जमीन है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास देखिए सरकार कहती है कितने सारे सब्सिडीज हैं, ये हैं वो सारे बेनिफिट्स को अगर हम एनालाइज करें तो मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फार्मर्स के लिए जो जरूरत है वो अभी तक ना तो कांग्रेस पर सरकार उस पर काम कर रही थी, ना भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि
फार्मर्स को सरकार जो है किसी भी पार्टी की हो वो एक फुटबॉल के तरफ में उसको यूज करते हैं और बेचारे फुटबॉल की तरफ इस कॉर्नर पे वीरेंद्र जाएंगे। सुनिए मैडम से एक सवाल है, इनकी किताब आपकी किताब का एक सवाल है मैडम। हाँ बिल्कुल राजीव जी, जोगीराम जी, सुनिए जी से मेरा सुनिए मैडम, मैडम आपसे सवाल है, आपकी किताब में यह भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है। नहीं वीरेंद्र जी सुन लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हैं आप, तमाम जगहों की बात करते हैं, उरू की बात करते हैं, पठानकोट पंपोर की बात करते हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात नहीं करते किताबों में। नहीं सर्जिकल स्ट्राइक में आप ये बताइए कि उससे पहले भी हुई है, सबूत क्यों मांगा, ये तो उसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हर चीज का। आपकी पार्टी के द्वारा सबूत क्यों मांगा गया, क्या विश्वास नहीं है सेना पर? नहीं सबूत ऐसी कोई बात नहीं है कि सबूत मांगा गया, उसका ये मतलब है कि तो उसको क्यों प्रचारित किया जा रहा है। मांगे तो थे सबूत। आप मेरे को बोलने देंगे? अपनी बारे में बोलिएगा। जो है सर्जिकल स्ट्राइक वो सेना का काम है, क्यों उसको अपने अपनी प्रचार और अपने कैप में एक फैदर की तरह यूज कर रहे हैं प्रधानमंत्री? वो सेना का उत्साह बढ़ाने के बजाय उसका भी लाभ खुद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मेन उसमें पेच है कि ये हर चीज के लिए अपने नहीं मैडम, क्या मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं मैडम 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 एक सवाल आपसे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे इस मुद्दे को लेकर? आप बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करने आए थे क्या? नहीं तो वो आप कह रही उन्होंने अपने प्रवक्ता छोड़ रखे हैं ना, उन्होंने इतने सारे प्रवक्ता छोड़ रखे हैं, खुद तो वो मुद्दे पे बोलते ही आप सवाल करते हैं तभी तो मैडम आप सवाल करते हैं जवाब वो देते हैं। नहीं तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जो टीवी के ऊपर पूरे डेमोज बनाकर दिखाए जा रहे थे वो क्या थे, उसका क्या मतलब है? रंजीता जी आपसे भी सवाल है कि क्या आपको लगता नहीं कि सेना ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी? देखिए कमल, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी आपको भी पता है कि उस समय पूरे देश का माहौल क्या था, वहां पर किस तरीके से बर्बरता से हमारे सैनिकों को मारा गया था, उस चीज को दबाने के लिए मोदी जी किस तरीके से डेमो बनाकर वहां पर पूरे टीवी पर दिखाया जा रहा था, किस तरीके से हम उतरे, क्या हो गया, क्या किया? अरे जब सैनिकों को मारा जा रहा था, जब सैनिकों को मारा जा रहा था तब भी डेमो बनाकर दिखाइए ना कि वो कैसे मरते हैं और आत्महत्या करते हैं। आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए जो 4580 करोड़ रुपया मीडिया और अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर चुके हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आज वही पैसा अगर आप बेरोजगारों को रोजगार देने, मैडम मैं दिखा देता हूँ, ये आपने प्रिंट करवाया, इसकी भी अच्छी क्वालिटी लग रही है, जबकि पैसा कांग्रेस के पास नहीं है। परसों का ट्वीट है कांग्रेस का, मैडम अच्छी प्रिंटिंग है ये भी। अगर आप वही पैसा 51,000 जो किसानों ने, कमल जी वीरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं मैडम, चलिए वीरेंद्र जी, कमल जी की जरूरत नहीं पड़ती, चलिए ठीक है। देखिए इससे झूठ सच का अनुमान लगाना, और दर्शकों के लिए बात मैं कह रहा हूं, तो इस बात से लगा लीजिए कि कौन क्या बोल रहा है। अभी कांग्रेस की हमारी तीन प्रवक्ता यहां पर हैं, तीनों ये कह रही हैं कि एक भी वादा पूरा नहीं किया जी। साहब हमने वादा किया था हम देश को स्वच्छता की तरफ लेकर जाएंगे, देश में इस अवधि बीच में इनको 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 सिखा दीजिए जाली, कमल जी रोक लीजिए मैं तो चुप हूं। 15 दिन से कितना बुरा, रंजीता रंजीता ये तो कोई तरीका नहीं, जोगीराम जी सभी सब जोगीराम जी फिर कोई नहीं बोल पाएगा, कर्मचारी दुखी है। जोगीराम जी जोगीराम वीरेंद्र जी बोलिए आप, रंजीता जी आपको समय दिया आप जवाब सुन लीजिएगा, उसके बाद कोई आपत्ति है तो उसके बाद आप बोलिएगा। देश में 4 वर्ष की अवधि में 7.5 करोड़ शौचालय बने, वो शौचालय उन लोगों के यहाँ बने जो बेचारे उस शौचालय की सुविधा से स्वच्छता से वंचित थे। कमल जी का तरीका है क्या फिर ये बोलेंगे क्या? जोगीराम जी बोलिए सर, 7.5 करोड़ शौचालय देश में बने, देश में 2014 तक 52% गांव सड़कों से जुड़े हुए थे, आज 82% गांव सड़कों से जुड़ गए हैं इस 4 वर्ष की अवधि में। सुनिए अभी आंकड़े दे रहा हूं, चैलेंज खुली चुनौती देता हूं, एक मिनट देखिए ये तो ठीक है ठीक है सर। अब कमल जी नहीं जोगीराम जी ये तरीका नहीं सर चर्चा का, नहीं ये तरीका नहीं है, नहीं मैं बोल रहा हूं ऐसे बोलने नहीं दूंगा मैं, नहीं सर गलत बात, नहीं सर चर्चा मैं सर मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता मेरे शो में कोई म्यूट हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। जोगी राम जी को उदाहरण दे रहा हूँ, आज नाम लेके उदाहरण दूंगा। नहीं वीरेंद्र जी एक सवाल ये भी था, मैं उत्तर दे रहा हूँ, एक जवाब ये भी, एक सवाल ये भी था रंजीता मेहता का,
कि एडवर्टाइजमेंट पर आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट आज अखबारों में बड़ी बड़ी भी आ जाऊंगा। पहले जोगीराम जी कितने बड़ा झूठ बोल रहे हैं स्टूडियो में, हरियाणा में सड़कों की पर ये सवाल करें। जोगीराम जी आपके झूठ का बेपर्दा, आपके ही एक पूर्व विधायक ने, सफीदों के पूर्व विधायक एक दिन मुझे मिल गए, वो कहने लगे कांग्रेस पार्टी के सवाल का उत्तर दे रहा हूँ, देखिए उन्होंने सवाल किया ना, और इसका संबंध सीधा विकास से। वो तो सर ये भी कह रहे हैं इनकी पार्टी के एक पूर्व विधायक मिल गए, कहने लगे कांग्रेस के शासन में उनके विधानसभा क्षेत्र में एडवर्टाइजमेंट की बात। मैं आऊंगा ना, मेरा सवाल इन्होंने सवाल उठाया, ठीक है ठीक है। एक 9.5 साल के कांग्रेस के शासन काल में वो कहते थे हमारे यहाँ सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ, और अब उनके विधानसभा क्षेत्र की 90-95% सड़कें ठीक हो गई हैं। ये हरियाणा में नहीं रहते जोगीराम जी, सुन लीजिए जोगीराम सर, हरियाणा में कम से कम 9 राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम शुरू हुआ और बन गए। जोगीराम जी सुनिए, अब सुनिए, अरे सुन लीजिए सर, विलेज रोड सर, कांग्रेस के द्वारा तो ये भी कहा केजीपी का निर्माण जो है वो कांग्रेस कहेगी, केएमपी का निर्माण कहेगी, हमारे कार्यकाल में हुआ था, उद्घाटन आप कर रहे हैं सर। देखिए फैक्ट्स ये हैं, विलेज रोड की बात नहीं सर, कई निर्माण कार्य तो ऐसे हैं कांग्रेस की सरकार ने शिलान्यास किया, उद्घाटन आप कर रहे हैं, हाँ, है ना, उनका भी बखान आप कर दीजिए। जोगीराम जी एक ही बात, विलेज रोड का मंत्र पढ़ रहे हैं, सुन लो भाई जोगीराम जी, जोगीराम जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, निसंदेह कुंडली मानेसर प्रोजेक्ट जो है वो कांग्रेस के शासन में शुरू हुआ, पूरा काहे नहीं किया भैया, क्यों लटका था, क्या भ्रष्टाचार था, क्या गोरखधंधा था, उसको हमने अब सुन लीजिए, हमने उसको समयबद्ध ढंग से पूरा कर दिया। वो जी आपके पास ही आऊंगा मैं, आपके पास ही आऊंगा। हमने हमने देश का सड़क तंत्र में कितनी प्रगति की उसका उदाहरण है। इनके कार्यकाल में देश में 8-9 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनते थे, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक नेशनल हाईवे बनते हैं। रिकॉर्ड पर है ये बात, सर जवाब ले ले, रिकॉर्ड पर है ये बात, जवाब दीजिए जी पब्लिक जी, बता दिया मैंने 83% गांव को जोड़ा हमने, जवाब से 83% किया, जवाब लेते हैं, आपने चश्मे जी बोलिए, आपने चश्मे पर भी काले वाला शीशा लगा दिया, बोलिए बोलिए पब्लिक जी, हरियाणा की कनेक्टिविटी कहाँ है ये बताइए ना, कहाँ रहते हो आप, हरियाणा में नहीं रहते क्या, कनेक्टिविटी कहाँ है, कहाँ, चार बार आपने हरियाणा जला दिया, आप हरियाणा पे आए तो हरियाणा का देखिए, कनेक्टिविटी पर फेल होने लगे तो जलने पर आ गए, जलाने वाले लोग जिन्होंने सड़कों पर लोगों को उतार के जातिवाद की राजनीति की, वो हमसे सवाल उठा रहे हैं, करके दिखाइए प्रूफ, आप जाए करके आप चलाने निकलो, चलाने निकलो, आप सवाल पूछो हमसे, चलाने वाले कौन थे, चलाने वाले कौन थे, कौन मुख्यमंत्री था जो ये कहता था मैं जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में उस पार्टी की प्रतिनिधि, रंजीता जी बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे, कहते थे पहले जाट हूँ, वीरेंद्र जी मुख्यमंत्री, रंजीता जी आखिरी आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, समय की कमी है, संक्षेप में बोलिएगा, समय की कमी है, 10 सेकंड आपके पास है, रंजीता जी वीरेंद्र जी आपकी बात होगी सर, बहुत आरोप सर, आरोप लगा लिया आपने सर, आरोप लगा लिया आपने, कमल जी पिछले 4 साल के अंदर इस पार्टी का ग्राफ 282 से कमल के फूल 270 पे आकर आज खत्म हो गए हैं, आप तो कहीं भी नहीं हो, 3 महीने 13 में 2 राज्यों में बचे हो, इन्होंने 40 ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करके 2 राज्यों में सिमट गए, जो अलग प्रदेश बनाने की बात करते हैं और अलग देश बनाने की बात करते हैं। अरे प्रोफेसर वरिंदर जी, आप जो कहते हैं ना बड़ा बोलना बोलिए करतार से डरिए, आपके मोदी का जो गुब्बारा जितनी स्पीड से बड़ा था उसे चौगुनी स्पीड से नहीं है कि राजीव जी आपका फाइनल कमेंट देना चाहेंगे, समय की बहुत कमी है सर, आप कुछ नहीं है, 14 चुनाव सब आप बता दीजिए, आखिरी कमेंट क्या हुआ, निचोड़ क्या है, निचोड़ क्या है इस चर्चा का, निचोड़ क्या कहेंगे आप, 4 साल परफॉर्मेंस, वरिष्ठ पत्रकार है उनकी थोड़ी बहुत, 4 साल में देखिए जो मोदी जी की जो परफॉर्मेंस है मुझे लगता है क्या कि थोड़ा सा डेफिसिट है, क्योंकि इन्होंने जो प्रोमिसेस किए थे वो प्रोमिसेस ऑर्डिनरी प्रोमिसेस नहीं था, तो शुरुआत के दिनों में भी लग रहा था कि उसको पूरा करने में थोड़ी दिक्कत होगी, 1 साल बचा है और चूंकि मोदी जी ने काफी प्रोमिसेस को इन्होंने 2022 से लिंक किया है तो शायद उनको उम्मीद है कि शायद 2019 में अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं तो वो पूरा कर पाएंगे, अभी अभी आज की तारीख में इस वक्त 4 साल का अगर हम इनके परफॉर्मेंस को देखते हैं ये ना तो बहुत खराब है ना ही बहुत बढ़िया है, ये ठीक है, इट्स अ परफेक्टली ऑल राइट और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।
ज्यादा कुछ नहीं है। शुक्रिया तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र जी, समय की कमी है, समय की कमी है सर। कुल मिलाकर अगर देखें तो तमाम बहस हुई है, जुबानी हमले हुए हैं, तमाम तरह की चर्चा भी हुई है, लड़ाइयां भी हुई हैं, जुबानी हो सही, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम जो आम जनता है उसकी जेब पर कुछ ना कुछ कम असर पड़ेगा, वो जरूर कहीं ना कहीं हल्की होगी। नमस्कार।